ये सब कुछ क्या है फारूक? तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, इस तरह पब्लिक में कैसे मिल सकते हो? हाँ, कुछ मामलात में एहतियात करनी चाहिए हमें। मैं डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हाँ, पता है, ये क्या बकवास है। अखबार नीचे करो और चश्मा उतारो, मैं पागल थोड़ी हूँ कि यहाँ मिलूंगा उनसे। जब तुमने कल तस्वीरों के बारे में कहा, मैंने सोचा हम उनसे बात करने जा रहे हैं। फारूक, अगर सबको उन तस्वीरों के बारे में मालूम हो गया तो सब यही समझेंगे कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है और हमारा मजाक उड़ाएंगे सब। चलो भागते हैं। कहाँ भागते हैं? तो तुम्हारे ख्याल में कहाँ जाना चाहिए हमें? मैक्सिको? तुम्हें तो सी फूड भी बहुत पसंद है। अब बस भी करो बुराक। वो चाहेंगे कि हम खामोश रहें, इसलिए हमें ब्लैकमेल करेंगे। किस बात का इंतजार है उन्हें? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं जल्द मालूम कर लूंगा। तब तक मिलकर हमें सिर्फ एक ही काम करना है। पता लगाओ वो कौन है। जो भी है वो हमारी अपनी कंपनी का है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने आरटी मीम्स के शेयर्स खरीदे। मैं जापान से तुम्हारे काम को देखता हुआ आ रहा हूँ। खुशी हुई सुनके। जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था, दरअसल उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हमें उस कंपनी से कुछ फायदा हुआ और कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है और ये हमारे काम के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, तुम्हारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, तुम्हारी कारकर्दगी भी अच्छी है और तुम अपने काम में माहिर भी हो, लेकिन पता नहीं कि इसका नतीजा क्या होगा। हमारे पास बहुत काबिल लोग मौजूद हैं इस कंपनी में। सेलिन साहिबा, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। अच्छा, मैं जब बात होटल में रहने की आती है तो बस मेरा मतलब है कि होटल में रहना एक ख्वाब की तरह होता है। ठीक है, कुछ दिनों के लिए ही, लेकिन वहाँ रह के सुकून मिलता है। तो मेरे ख्याल से होटल का डिजाइन घर से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमें घर जैसे होटल में जाना है तो इससे अच्छा घर पे रह ले हम। बहुत अच्छी सोच है आपकी, जारी रखें आप। हमें कमरों के डिजाइन बहुत ही ड्रीमी डिजाइन बनाने चाहिए, जैसे कि फॉरेस्ट या स्काई, डेजर्ट या फिर सी जैसा डिजाइन। तुम्हारा क्या ख्याल है? एक और कप ले आओ। अगर अच्छी तरह से किया जाएगा तो वाकई स्टाइलिश हो सकता है। माफी चाहता हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ, इसे अभी साफ कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी दूसरे को बुलाओ। माफ कर दें सर, गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। हो जाता है, कोई बात नहीं। अच्छा तो अब जा सकते हो तुम, जाओ। सर मुझे नौकरी से मत निकालिएगा। ये मसला अब तुम्हारा नहीं रहा, अकाउंट्स में जाकर अपना हिसाब ले लो, कल से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मगर सर मैं चाय गिराने पर इतनी बड़ी सजा दे दी आपने। सुना तो होगा आपने, अपने काम को अच्छे से करना चाहिए और इसे ध्यान से करना चाहिए। बड़ी मुसीबत के आने से पहले छोटी मुसीबत को हल कर लेना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है अगर रिस्क लेना पसंद करें आप। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। एम्प्लॉयज को सही ट्रेनिंग देके काम को बेहतर बनाया जा सकता है। कौन कब क्या गलती कर दे इस बारे में हम हमेशा नहीं जान सकते, और अगर मैं हर छोटी गलती पर अपने एम्प्लॉयज को निकाल दूं तो क्या पता कंपनी में मैं एक दिन खुद ना दिखूं। जाहिर ऐसा नहीं चाहता मैं। तुम्हें पता है, जब भी मैं कोई ऐसी बात करता हूं कि मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे में एक और भी खूबी है दमीर, वो ये कि तुम सामने बोलने की हिम्मत रखते हो। यिल्दरम साहब तो बहुत बदतमीज निकले, चाय गिरने पर निकाल रहे थे उसे। चाय गिरी थी, कोई बॉम्ब थोड़ी गिराया था उन पर। बातें ऐसे कर रहे थे जैसे ताल्लुक उस्मानिया सल्तनत से हो, जो एक गलती पर किसी का सर कलम करते। हिम्मत देखो, चाय गिराने पर निकाल रहे थे उसे। हमारे सामने तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूँ। उन्हें लगा हम डर जाएंगे। नफरत करती हूँ मैं ऐसे लोगों से। अगर मैं उस लड़के की जगह होती तो ऐसे आदमी के साथ कभी काम नहीं करती, कभी नहीं। घटिया इंसान। सेलिन बस भी करो, अब मेरा सर दर्द कर रहा है, इस बात को खत्म करो। हाँ, मेरा भी सर दर्द से फट रहा है, और ऊपर से तुम्हारी वजह से मैंने कॉफी भी नहीं पी सुबह से। ओह, कहीं दोबारा से गाड़ी से तो नहीं उतार दोगे मुझे? देखो अभी मैं पैदल नहीं चल सकती, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं वैसे ही बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं उतरूंगी। ठीक है सेलिन, रुको, देखो जरा तुम्हारी दवा। कितनी प्यारी खुशबू है, वाह क्या खुशबू है। जाओ जाकर ऑर्डर करो, बस थोड़ी देर में आता हूँ मैं। तुम्हें क्या चाहिए?
नहीं कुछ नहीं। एक कॉफी पीने से क्या हो जाएगा? अब ये तो कोई रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है। तुम एक आम इंसान की तरह बर्ताव क्यों नहीं करते हो? हाँ अच्छा ठीक है मैं पी लेता हूँ। बस यही चाहती हूँ ना तुम, डबल रिस्ट्रेटो वेंटी, वो भी बादाम दूध के साथ, बर्फ के सिर्फ दो टुकड़े, तीन नहीं, और बादाम का दूध बिल्कुल मत भूलना। ये सब याद रहेगा ना तुम्हें? हाँ हाँ याद रहेगा। जबरदस्त। एक सिंपल कॉफी के लिए पूछा था, उसने तो एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी मेरे हाथ में। ये नहीं वो, हर चीज उसे अपने मुताबिक चाहिए। बादाम वाली कॉफी आइस के साथ कौन पीता है ना? मैडम बादाम वाला दूध खत्म हो चुका है। हाँ कोई बात नहीं, नॉर्मल मिल्क चाहिए। ठीक है, उसे कौन सा पता चल जाएगा। हाँ तुम ड्रीम रूम को कैसे अप्लाई करने वाली हो जो तुमने यिल्दिरम साहब को बताया था? तुम्हें क्यों बताऊं? मेरा मशवरा है कि अच्छी तरह सोच लो। अब इसका क्या मतलब? सेलिन मेरा मशवरा यह है कि तुम बच्चों की तरह सोचना छोड़ दो। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन इंसान अपनी क्रिएटिविटी अपने अंदर के बच्चे से ही लाता है। कभी आजमा के देखना। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ख्वाब देखने पर पाबंदी लगा दो ऑफिस में दमीर साहब? मैं सोचने के लिए कह रहा हूँ तुमसे, मजाक नहीं कर रहा। मैंने हमेशा यही कॉफ़ी पी है, लेकिन इसका जायका आज कुछ अलग है। बादाम का दूध इस्तेमाल नहीं किया लगा है। शायद उन्होंने ऑर्गेनिक आलमंड मिल्क से बनाया होगा। चलो अब हमें चलना चाहिए। तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ख़त्म कर दी। मेरे सर में दर्द हो रहा था तो इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत थी। चलें। आम इंसान आम सी कॉफ़ी पीता है, और जो मशीनी इंसान होता है उसे बादाम मिल्क वाली कॉफी चाहिए होती है। क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है कि जो तुम्हें खुश कर पाए? मुझे इसका जायका बुरा नहीं लगता, बस इस दूध से एलर्जी है मुझे। मुझे नहीं लगता था कि इस कॉफी को पीना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए आज। नॉर्मल दूध पीने से क्या होता है? गले में शदीद दर्द होता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कोई मजाक नहीं है। दमीर संभालो अपने आप को, कोई मदद करें। आप लोग देख क्या रहे हैं? मदद करें, देखो जरा, कोई कॉल करें एम्बुलेंस को। तुम ठीक हो जाओगे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। तुम ठीक हो जाओगे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई बुलाए एम्बुलेंस को जल्दी। ये आदमी भरी जवानी में मर रहा है, किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दमीर साहब अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है। आप ठीक हैं, परेशान मत हो, अब सब सही है। अब ये हाइड्रेटेड है और ऑक्सीजन पर है। कितना वक्त हो गया मुझे यहाँ पे? आपकी दोस्त आपको यहाँ 2 घंटे पहले लेकर आई थी। हम सभी लोग उसको देखकर काफी परेशान हो रहे थे। उसने रो रो के अपना बुरा हाल कर दिया था। हाँ थोड़ी जज्बाती है। लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है। ऑल द बेस्ट। पानी ज्यादा पीना, बाहर का कम खाना, इस तरह तबीयत तुम्हारी खराब नहीं होगी। अपना ख्याल रखो। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो तुम उठ गए, कैसे हो? मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। रुक जाओ, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है। क्या कहा, कब? जब तुम आराम से सो रही थी। दमी मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, तुम तो आज मेरी वजह से मर ही जाते। वैसे मरना तुम्हारा अच्छा ही होता, लेकिन कसम खा के कहती हूँ मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैं बुरी लड़की नहीं हूँ, और मुझे बिल्कुल भी बुरा समझने की कोशिश मत करना। हर बात पे लड़ना है, यहाँ तो चुप करो कम से कम। पता है सबकी नौबत ही ना आती, अगर तुम मुझे पहले सब कुछ बता देते। लेकिन तुमने तो लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी। बता देते ना कि तुम्हें एलर्जी है। क्या तुम चुप हो सकती हो? बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और मत बोलना। मैं इस एलर्जी से तो नहीं मरा हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर मर जाऊंगा एक दिन। हाँ हाँ वेरी फनी, उड़ा लो मेरा मजाक, उड़ा लो। मेरी तो जान ही निकल गई थी, अगर मुझे कुछ हो जाता। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ आप। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो ना, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। चलो अब ऑफिस चलना है, देर हो रही है। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। नहीं तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
हाथ पकड़ लो। जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास बहुत सारी जायदाद है और जो दुकानें थी वो भी बिक चुकी हैं? देखो। हाँ, कौन सी दुकानें? हाँ, देखो तो मुझे, मैं किसको बता रही हूँ, हम तो बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाली ये थोड़ी है। हमारे बाप के पास सिर्फ अपार्टमेंट और दुकानें नहीं थे, बल्कि इसके अलावा उनके पास बहुत जमीनें भी थी। 2 साल पहले जब आप हमें फ्रांस घुमाने लेकर गई थी, मुख्तलिफ जगह घुमा रही थी, बड़े बड़े होटलों में रुक रही थी, उन सब के लिए जो पैसे आ रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे बताएंगी आप? उस वक्त तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं आया होगा। मतलब क्या है? क्या वो जमीनें भी बेच दी हमने? ओ, क्या अब हमारे पास घूमने फिरने के लिए कुछ भी नहीं बचा? क्या सब कुछ बेच दिया हमने? हाँ, अब मेरी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ से होगी? अब कुछ करना पड़ेगा। मैंने वो घर बेच के थोड़ा पैसा बचा लिया था और वो पैसा मैंने बैंक में रखा है। हाँ, और उसी घर की वजह से हम लोग मुकदमे में फंसने जा रहे हैं। अब हमारे पास बस एक यही घर बचा है जिसे बेचकर हम बच सकते हैं। प्लीज मान जाओ ना लैला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। हमारे बाप ने अपनी वसीयत में लिखा था कि हम ये घर बिल्कुल नहीं बेच सकते। अगर हमने ये घर नहीं बेचा तब भी हम इस घर में नहीं रह पाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं हो लैला? या अल्लाह, अब हम पे रहम फरमा। तमीर साहब, क्या आप ठीक हैं? आप काफी परेशान लग रहे हैं। आप बैठकर बात कीजिए, आपकी तबीयत नासाज लग रही है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम बैठ जाओ। समझ आ गई? अब मेरी बात गौर से सुने। ये क्लाइंट ना सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरे यूरोप में अपनी बहुत अहमियत रखता है, तो अगर हमने इसे खो दिया तो हम आने वाले कई अच्छे कस्टमर्स छोड़ देंगे। उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी किस्म की कोई भी गलती और किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर आप सब में से कोई भी कोई गैर जरूरी बात या किसी बीमारी की वजह से ये काम नहीं कर सकता है तो यहां से अभी उठ के जा सकता है। हमें इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा मेहनत से काम करना होगा, समझे आप सब? मुझे कोई सवालात नहीं सुनने, किसी भी किस्म की बदमजगी नहीं चाहता मैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप सब। और आप सुन लीजिए, मुझे आपकी तरफ से कोई गलती नहीं चाहिए। चलता हूं। सेलिन, मेरे रूम में आओ। तुम्हें क्यों? मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब तुमसे किसी भी बात पर उलझूंगी नहीं, लेकिन खुद को रोक भी नहीं सकती। तुम लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हो? क्यों? आखिर वजह क्या है? वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अभी हाल ही में उसने उसे प्रपोज किया है, लेकिन तुम्हारे आते ही उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई। ऐसा करके तुम्हें क्या मिल गया? प्यार करने वालों को अलग करने का हक किसने दिया तुम्हें? और कुछ? जबरदस्त। सेलिन, तुम एक काम करो, अपना ये वादा अपने पास रखो। कभी कभी इंसान की जिंदगी में यह वक्त जरूर आता है जब उसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। ये उनका इम्तिहान है और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। हरगिज नहीं, ये कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि एक स्टूपिड रूल है जो तुमने उन पर थोपा है। और हाँ, अब इस कंपनी के कुछ और नए उसूल हैं जिसे सुनकर तुम और परेशान हो जाओगी, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, और बात सिर्फ उन दोनों की नहीं है बल्कि आप सब लोगों को आने वाले वक्त में नुकसान हो सकता है। मुझे वाकई में एक बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? चलो मान लिया कि वो साथ हैं और काम पे ध्यान नहीं दे पाते वो लोग, क्या अलग होने पर वो काम पे ध्यान दे सकते हैं? क्या एक दूसरे से अलग होने का दुख उनके काम पर असर नहीं करेगा? कंपनी ऐसे चलाओगे क्या? हाँ, काम पर वो और ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, और ज्यादा काम करने से इंसान का दिल बहल जाता है, अच्छा महसूस करता है, ये सच है, और वक्त के साथ साथ वो और मजबूत हो जाएंगे। ये फजूल बातें। सच तो ये है कि वो लोग अपने काम को लेकर संजीदा ही नहीं है बिल्कुल भी।
जिंदगी में सब कुछ एक ही वक्त में नहीं किया जाता, उसूल उसूल होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उनकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करो, और ये बात भी मैंने तुम्हें समझाई थी कि कुछ दिनों के लिए तुम्हें होटल में रहना होगा, जब तक तुम अपने लिए रहने की जगह ना ढूंढ लो, और जब मैं अपने घर पर मौजूद ना हूं तो वहां आकर तुम अपना सामान ले जा सकती हो। मैं वहीं रहूंगा अपने घर में, और इसके लिए मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। वो चेक अभी भी वहीं रखा है, चाहो तो तुम जाके ले सकती हो और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हो। आज सुबह हमारे क्लाइंट ने क्या कहा था शायद तुम भूल गए हो। मैं इस कंपनी की सबसे टैलेंटेड प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। उस क्लाइंट से हम आज मिले और उसे मेरा काम पसंद आया, तो इस कंपनी से मुझे कोई आसानी से निकाल नहीं सकता। और रही बात मेरे घर की, जिससे तुम जबरदस्ती हड़पना चाहते हो, तो मेरे होते हुए ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैंने वादा कर लिया था दमीर। मैंने भी वादा किया था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि वादा निभाना इतना मुश्किल हो सकता है। जो भी है, वादा किया था तो निभाना तो था ही ना। और तुम्हें वो घर क्यों खरीदना है दमीर? ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। उन सभी पुरानी यादों को तुम क्यों ताजा करना चाहते हो? बदकिस्मती से मुझे अपना माजी याद करने का मौका नहीं मिला। हाँ, और वो लड़की, क्या नाम है उसका, सिलीन, सही कहा ना? सिलीन, वो तो एक मुसीबत है, हर काम मुश्किल कर देती है। घर में भी वही दिखती है और ऑफिस में भी। वो कहती है कि मैं ऑफिस में गैर जरूरी कामों को करने से रोक रहा हूं, तो ये गलत है, और इससे वो काम नहीं कर पाते, समझो तुम। देखो, अगर वो ये सब कर रही है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, और अगर वो किसी चीज में अपनी मर्जी कर रही है तो तुम उसे रोक नहीं सकते। कौन, सिलीन ये करेगी? बिल्कुल। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि उस लड़की से प्यार कौन करेगा। मेरे भाई, तुम सच्चाई नहीं जानते, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हो। मैं बताता हूँ, ये लड़की बहुत बदतमीज और मुंहफट किस्म के इंसान है, पागल है बिल्कुल, सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है वो, बहुत ही ज्यादा जिद्दी है वो। ऊपर से उसने अपने घर के हिस्से में एक बकरी पाल रखी है जो मुझे सोने नहीं देती रात भर। बुराक से बात करते हैं हम लोग, उससे कहते हैं कि उसके बाबा ने जो आदमी रखा है वो पूरी तरह पागल है। हाँ, मुझे लगता है कि अकरम साहब को फौरन दमीर को निकाल देना चाहिए और अपने बेटे बुराक को बॉस बनाना चाहिए, ताकि मैं बोरू से शादी कर सकूं और तुम बुराक से। क्या कहा तुम्हें? ऐसा क्यों लगता है कि मुझे बुराक से शादी करनी है? क्या बात है, मुंह चलाने से बेहतर है कि काम पे ध्यान दिया जाए। अब रहने दो सिलीन, तुम बुराक के लिए फीलिंग्स रखती हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम और बुराक साथ में अच्छे लगोगे। ओह नो, ऐसा लगता है? देखो, मेरे ख्याल में तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि कंपनी में प्यार मोहब्बत की बातों पे पाबंदी है। हाँ, सही कह रहे हो, खुद पर कोई रूल्स नहीं है, रूल्स सिर्फ दूसरों के लिए हैं। अब देखो ना। देखो, अगर यहाँ पे इस तरह की बातें करना चाहते हो तो मेरे पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। अगर यहाँ के नए बॉस को किसी से प्यार हो जाता है तो फिर वो ये पाबंदी हटा देंगे। हाँ, क्या कमाल का आइडिया है, कोई पागल लड़की ही हो सकती है जो उसके प्यार में पड़ेगी। उस पत्थर दिल से कौन प्यार कर सकता है? फीलिंग नाम की कोई चीज नहीं उसमें, एक रोबोट है वो, जो जापान से बन के आया है और यहाँ हमारे सरों पे लाके बिठा दिया बॉस बनाकर। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? एक ही घर में रहते हो और झगड़ते भी रहते हो, जहाँ जाओ तुम दोनों साथ होते हो, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम लोगों के लिए अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, तुम भी सही कह रही हो, कौन करेगा ऐसा? अगर वो खड़ूस नहीं होता तो। प्लीज सिलीन, ये तुम लोगों ने क्या रट लगा रखी है? अपने टारगेट के बारे में भूल गए क्या? ऑपरेशन चीता, अपनी कंपनी तो उससे वापस लेकर ही रहेंगे, हम उसकी जिंदगी इतनी तंग कर देंगे कि थक हार कर उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। हाँ, उस वक्त तक मैं और बोरो एक दूसरे को भूल जाएंगे। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं वो करूं जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ?
अच्छा घर से बाहर उसे कैसे निकालोगी? कहो तो मैं तुम्हें बताऊँ इस बारे में। चलो बताओ क्या करना चाहिए। जो उसे पसंद है उसका बिल्कुल उल्टा करो। चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। और तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, तुमने खाया कुछ नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। खाना अपने घर जाके खाऊंगा। क्या तुम चलोगे साथ? क्या सोच रहे हो? एक बार घर अपना कर लो, उसके बाद आ जाऊंगा। अभी तो वो लड़की भी है ना घर में। तो ठीक है, इसका हल निकालता हूं। उसके बाद खाने पर बुलाऊंगा तुम्हें, खाना खाएंगे साथ में। ठीक है फिर मैं चलता हूं, ख्याल रखना। हमें ये पता चला है कि उसे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है और साथ पियानो प्ले करना, और इसके अलावा खाने में उसे घर का खाना ज्यादा पसंद है। वो लैक्रोस और टेनिस खेलता है और मुझे यकीन है कि उसे स्क्वाश भी पसंद होगा। बुक्स पे उसे क्लासिक, न्यू और मॉडल बुक्स। हाँ इन सबसे मेरा क्या लेना देना? उसे इरिटेट करने के लिए बार बार रैप सॉन्ग सुनो, हर वक्त रोमांस की किताबें जोर जोर से पढ़ो और खाना इतना बुरा बनाओ कि उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाए। यानी मुझे किसी और की तरह बनना होगा? हद होती है किसी और की तरह बनना, क्या मेरी तरफ इशारा? अरे ऐसा नहीं है, मैं कह रही थी कि मुझे वो बनना होगा जो मैं असल में नहीं हूँ। क्यों सही कहा ना? अब तुम सलीन नहीं बल्कि एक वॉरियर हो। अब प्यार के बदले जंग होगी, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि हमसे कोई नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही कहा, अब हमें एक तेज स्मेल वाला परफ्यूम ढूंढना है। दमीर, आज तो हो ही जाए। मेरा सारा सामान। ओह चीची, उस खड़ूस ने तुम्हें यहां रख दिया। ओह तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? तुम्हें बिल्लियां खा सकती थी चीची। दमीर, दमीर दरवाजा खोलो। दमीर दरवाजा खोलो। दमीर, मैंने कहा दरवाजा खोलो। म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ाओ। अपने कान बंद कर लेना चीची। आइंदा ऐसा किया ना और मेरी चीची को आइंदा बाहर रखने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा। ये घर, ये पूरा का पूरा घर मेरा है। तुम चाहे चाबी बदलो या दरवाजा, लेकिन मुझे इस घर में आने से कोई भी नहीं रोक सकता, समझ गए तुम? दूसरी बात,
कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही घूरने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो मुझे ये सब कुछ ना करना पड़ता। नीचे उतारो मुझे। मैंने कहा नीचे उतारो मुझे अभी। रुक जाओ, मैंने कहा मेरी बात सुनो। छोड़ो, उतारो मुझे। मैं पुलिस को फोन करूंगी और तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ मुझे नीचे उतारो। दूर हटो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो मुझे। दमीर खोलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। दमीर ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। एक दरवाजा तो तोड़ ही चुकी हूँ। जमीर मैं कसम खा रही हूँ, अगर मैं बाहर आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा खाना नीचे ठंडा हो रहा है और ठंडा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब तुम अपना मुंह बंद रखो और अंदर आराम से बैठो। मुझे मेरा खाना सुकून से खाने दो, परेशान मत करना। जमीर अच्छा जमीर प्लीज चीची को अंदर ले आओ वरना बिल्लियां खा जाएंगी उसे। जमीर पागल हो गया है ये इंसान, बिल्कुल पागल हो गया है। मैं बाहर आ गई ना तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे? दमीर, 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 दरवाजा खोलो दमीर। सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो कुछ भी नहीं है, ये तो आसानी से कूद सकती हूँ, मगर बस टांग ना टूट जाए। खाने की कितनी अच्छी खुशबू है, मेरी तो बद्दुआ है कि इसके गले में वो खाना फंस जाए। हेलो सलीम बेटा। जी अम्मी। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ओ, क्या क्या है खाने में? तुम्हारी पसंदीदा सब्जी और अचार भी बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। पता नहीं ये सब कब से नहीं खाया। कितनी भूख लगी है मुझे, जब से ऑफिस से आई हूँ एक लुकमा मुंह में नहीं डाला। पूरे दिन ऑफिस में काम करते जाओ और रात में भूखे सो जाओ। लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है, लोग तो खा खा के मोटे होते जा रहे हैं। सलीम सुनो, मैंने तुम्हें बताया था ना, जैस्मीन का बेटा जर्मनी से लौटा है, बहुत अच्छा खानदान है उनका। बेटा बस ऐसा कर लेना कि उनसे जाकर जल्दी से मिले ना। अरे रुक जाए अम्मी, मेरी बात गौर से सुने। क्या हमारे मुल्क में लड़कों की कमी है जो मेरे लिए आप बाहर से ढूंढ रही हैं? यूरोप घूम चुका है वो और 2-3 जबाने भी बोलता है, घर है, अच्छी नौकरी है। इसमें भी तुम्हें मसले हैं। अम्मी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, और कितने दफा बताना होगा? मुझे सब कुछ नहीं सुनना। तुम इस्तांबुल जाकर पढ़ना चाहती थी तो हमने तुम्हें भेज दिया, उसके बाद तुमने कहा कि तुम्हें नौकरी करनी है वहाँ। फिर तुम्हें घर खरीदना था तो तुम्हारे बाबा की पेंशन से तुम्हारे लिए उसका भी इंतजाम कर दिया। क्या हमें तुम्हारी शादी करने का कोई हक नहीं है सलीन? जितना जल्दी हो सके वहाँ शादी कर लो वरना फिर वापस आ जाओ यहाँ, समझ गई?
अम्मी, कितनी दफा आपको समझाया गया इस तरह की बेकार की बातें मुझसे मत किया करें। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ और बाबा को ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, फोन करना मत भूलना, समझी? ये कहीं नहीं जाएगी। सेलीन, दमीर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आ सेलीन, सेलीन, सेलीन।